एक बूंद पीने का पानी नहीं है, रात रात भर जाग रहे हम लोग। मीराबाग में पानी नहीं आ रहा, 6 दिन से नहीं आ रहा भाई, 6 दिन से हम नीचे पानी भर नहीं सकते, कोई पानी देता नहीं है। अभी हम लोग सिर्फ आश्वासन देने के लिए आए कि हम इल्लीगल लाइन काटेंगे, हम लोग कार्रवाई करेंगे, ये हर वक्त का इनका ये कहना है, बट एक्शन कोई भी नहीं होता है। 30,000 रुपया बिल भरे हमारा पक्का रसीद है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा शहर में पानी की किल्लत कभी कम हो पाएगी ये कह पाना बड़ा ही मुश्किल है। मुमरा शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां अक्सर पानी के लिए लोग परेशान होते हैं। ऐसे में अब चांदनगर आमिनाबाद के रहने वाले लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं और आज ये लोग पानी के लिए अपने घर से बाहर निकल आए। जो स्थानीय लोग हैं इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर करीब 6 दिन हो गया है पानी ही नहीं आ रहा है, लोग खरीद कर पानी पीने को यहाँ पर मजबूर हैं। बता जा रहा है कि रात के समय में यहाँ पर पानी आता है और रात भर महिलाओं को जागना पड़ता है पानी के लिए, लेकिन 6 दिन गुजर गया है रात में भी पानी नहीं आ रहा है। स्थानीय जो नगर सेवक हैं उन लोगों से भी मांग कर रहे हैं यहाँ के लोग कि पानी दिन में छोड़ा जाए, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। रात 2 बजे, 2:30 बजे, 1 बजे रात को पानी आता है और वो भी 6 दिन से पानी नहीं आ रहा है, लोग रात रात भर यहाँ पर जग रहे हैं। आखिरकार इनका गुस्सा आज फूट पड़ा और ये अपने घर से बाहर निकल गए। यहाँ पर मनपा के पानी पुरवठा विभाग के अधिकारी भी पहुँचे थे। अधिकारियों का कहना है कि इन्हें जो पानी की तकलीफें हो रही हैं दरअसल वो इलीगल जो पानी कनेक्शन लिया गया है उसके वजह से हो रही है और यहाँ पर कार्रवाई करके मनपा ने कई इलीगल कनेक्शन भी काट दिया है। लेकिन वहीं चांदनगर अमीनाबाद परिसर में जो है पानी की टंकी बनाई गई थी और ये भी दावा किया जा रहा था कि यहाँ पर इस टंकी के बनने के बाद जो है पानी की किल्लत से लोगों को निजात मिलेगी, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि पानी की टंकी तो बनाई गई लेकिन उसके साथ भी खेला हो गया। टंकी बनाई गई कहीं और पानी देने के लिए और पानी कहीं और दिया जा रहा है। स्थानीय लोग आज पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, 6 दिन हो गया है यहाँ पर पानी नहीं आया है। क्या कुछ कहा है लोगों ने आपको सुनाते हैं। पानी दिन का समय क्या होता है लोगों, पानी दिन का करो ना, दिन का करो भाई, है पूरा क्या है भाई, नहीं आए आप बोलो ना, आप बोलो ना, पानी दिन का करने का ना, रात भर जग रहा, सुबह तक जग रहे, पानी नहीं आ रहा। कितने दिन से पानी, 6 दिन हो गया, 6 दिन है, हमारे पास तो पानी नहीं आता अंदर, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, 6 दिन हो गया पानी नहीं आ रहा, 6 दिन हो गया आज पानी नहीं आ रहा, और हजरे मुट्ठे का पानी नहीं है, छोटे में बच्चे कहाँ जाएंगे, हम लोग तो 6 दिन से नहले नहीं है, पीठ चटपटा रही है, हम लोग यही बोलते हैं इल्लीगल लाइन है, तुम्हारे घर चोर ले गए तो चोर 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 लोग को बढ़ावा किसने दिया, आप लोग नहीं दिए ना, घुस खा के नहीं, चोर घुस खा के आप लोग ले लिए ना, बढ़ावा पानी का बिल अभी आया, बिल भी दिखा सकते हम लोग भाई, अभी जो पानी नहीं आ रहा ये कौन से एरिया में नहीं आ रहा, ये अमीनाबाग में, अमीनाबाग में पानी नहीं आ रहा, 6 दिन से नहीं आ रहा भाई, 6 दिन से सबके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ से क्या करेंगे, काम धंधा छोड़ के पानी के पीछे भागना पड़ रहा है, यहाँ बोरिंग का पानी भी नहीं है, क्या कहाँ से आदमी कैसे एडजस्ट करेगा आप बताओ, 6 दिन से पानी नहीं है हमारे घर के अंदर, हम इसके इधर भी नहीं जा सकते कि पानी बोलते हमारे इधर भी नहीं, किसके इधर जाएंगे हम, आखिर वजह क्यों नहीं है, पानी क्यों नहीं आ रहा, पहले क्या बोले 24 घंटा पानी नहीं आएगा बराबर, 2 दिन पानी नहीं, हाँ वो हम लोग ने सबर किया, चलो 2 दिन पानी नहीं आएगा, 2 दिन के बाद छठा दिन है, छठे दिन में भी पानी नहीं है तो कहाँ से करेंगे पानी, हम और साहब को बोलते तो बोलते सब चोरी का लेने ना, ये है तो आप कार्रवाई करो ना, जिनके इधर चोरी का है उनको कार्रवाई करो, जो बिगल है उनको तो पानी दो, मतलब एक चोर के वजह से सब लोग जाएंगे क्या, एक बूंद पीने का पानी नहीं है, रात रात भर जाग रहे हम लोग, 800 रुपए का पानी भरा है सुबह ने, इसके बाप ने 800 रुपए का पानी लाया घर में, बोलो दिन में पानी करे, रात में हम लोग रात भर नहीं जाग सकते, रात भर जागने का भी पानी भी नहीं आता हमारे, पूरी पूरी रात जाते 7-7 बजे तक जागते हैं हम लोग, पानी नहीं आता हमारे, आप बताओ कहाँ से क्या करेंगे हम लोग, पानी तो
मेन मसला ये एरिया में पानी का ही मसला है, हमेशा पानी का मसला है। और ये एरिया कोई अमीनाबाद में पानी नहीं है, बाकी हर जगह पानी है। अमीनाबाद कभी वाल टूटता है, कभी ये टूटता है, कभी कुछ ना कुछ होते ही रहता है। इसके पहले भी आप लोग पानी नहीं आ रहा था। हाँ, इससे पहले भी हम लोग ने कहा रास्ता बंद किया, उसके बाद फिर पानी, उसके बाद से पानी आने लगा था। लेकिन ये जब गर्मी का टाइम लगा ना तो पानी का फिर प्रॉब्लम होना चालू हो गया। जब पब्लिक रोड पर उतरती है लोग हंगामा करते हैं ना, जब पानी देर दो महीना अच्छा बहुत अच्छा पानी आता है, उस टाइम रात में लोगों को जागना भी नहीं पड़ता है। लेकिन इन लोगों को क्या मालूम, मतलब ऐसा है कि अंदर चालिया है, उसको टारगेट किया जाता है कि चालियों में पानी नहीं दिया जाए, लोग परेशान हो और लोग यहाँ से छोड़ के जाए ताकि इनको बिल्डिंग बनाने को भी जगह मिल जाए। रोज 20 लीटर का खेल ला रहे हम लोग, वहाँ से पैसा ना बिक्री, वहाँ से हम लोग लाइट बिल भरते, टैक्स भरते, पानी का बिल भरते, उसके बाद भी हम लोग तकलीफ सहने का सर यहाँ पे रह गए। इतना सहने के बाद भी हम लोग तकलीफ सहने का, इतना करने के बाद भी आप जाके हमारी बिल्डिंग में देखो, एक एक का बिल भरा हुआ है, पानी का एक एक का रूम का बिल भरा हुआ है, उसके बाद भी पानी नहीं। ये कोई इंसान है क्या, पता बोलो? अरे हमारा अमानबाग में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, 15 दिन से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है, एक बूंद नहीं है। जो अपना अपना मोटर ये क्या बोलते पानी टैंकर मांगे, 1000 लीटर पानी भरे और हम लोग एक गैलन पानी मांगे तो हमको एक बूंद पानी को नहीं। हम चाहते कि हमारे पूरा अमानबाग में, पूरा अमीनाबाद में मजे पानी बिल्कुल आना चाहिए, हम ये चाहते है बस। और हमारी पूरी बिल्डिंग चुकी है, हम नाम वाले टावर पर गए सर, हम नीचे पानी भर नहीं सकते, कोई पानी देता नहीं है। अमीनाबाद में पानी आना जरूरी है, भूखे प्यासे बच्चे कैसा रहेंगे, कैसे जिएंगे बताइए ना, इतने से मासूम बच्चे सबके घरों में। हाँ, ये गलत है कि नहीं? अभी आए, कितना बर्दाश्त करेंगे इंसान, कितना बर्दाश्त करेंगे? 15 दिन से पानी में हम चुप बैठे, जबकि लाइट बिल, टैक्स, मेंटेनेंस सब भी ले रहा हमारा, फिर भी पानी क्या करेगा इंसान? खाएगा पिएगा नहीं तो किएगा, ऐसे इंसान की मौत हो सकती है। अभी ये लोग सिर्फ आश्वासन देने के लिए आए कि हम इल्लीगल लाइन काटेंगे, हम लोग कार्रवाई करेंगे, ये हर वक्त का इनका ये कहना है, बट एक्शन कोई भी नहीं होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होता है। ये एकदम सख्त, अगर कार्रवाई करेंगे तो सबको पानी बराबर मिलेगा। यहाँ पे एक लाइन लीगल होती है तो दूसरी लाइन लोग इल्लीगल साथ में दे देते हैं। अभी लोग आए, अभी आपको वहाँ का पानी बंद करके छोड़ेंगे। अभी उन्होंने ये कहा है अगर अगर पानी अभी नहीं आएगा तो मैं आप लोग के साथ खड़े रह के आंदोलन, बड़ा आंदोलन मचाऊंगा, वो बोले इनुस भाई ने, हमारे इनुस भाई ने अभी बोले हमको ये बात। अच्छा, इनुस भाई ने यहाँ पानी की टाकी भी बनवाई थी ना, उसका क्या हुआ? आप बोले बराबर सही बात है, आप बोले कि पानी टाकी कुछ दिन तक बोले काम उन्होंने किया, सही तरीके से किया, लेकिन बीच में जो है ये लाइन यहीं से चेक करो कितना चोरी का लाइन है ना भाई, बिल बता। हम भी ठोक सीना ठोक के बोलते हैं, हम भी बिल बताते हैं कि पाँच बिल भरे कि नहीं भरे, 30,000 रुपया बिल भरे, हमारा पक्का रसीद है। फिर पानी 3 बजे रात तक हम बैठा लेकिन पानी नहीं आया, पानी आई, अरे चोरी का लाइन पूरा ले लिए ना अंदर से, तो क्या कर सकता हूँ हम, क्या कर सकते बनी है उसका लाइन का कनेक्शन पीछे से आने वाला था आमिना मस्जिद के पास से, बट इन लोगों की सेटिंग की वजह से, इन लोगों के हठधर्मी की वजह से, इन लोगों ने दौलत नगर के अंदर से यहाँ से लाइन लिए, क्योंकि पीछे से आती है तो सबका मामला क्लियर होगा, बट इन लोगों ने एक सोसाइटी के अंदर से लिए लाइन, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जबकि सोसाइटी के अंदर से लाइन लेना गैर कानूनी होता है। यहाँ से चेक करो, मालूम पड़ जाएगा कहाँ पे कनेक्शन है।